Exercise 6.2. Question number 4. Okay. So the question is, find the differential equation of ellipse whose major axis is twice its minor axis. Yes, find the differential equation of an ellipse whose major axis is twice of its minor axis. Right, yahi question hai na aap log ka. Okay. Now I've already explained you ki ellipse mein ek major axis hota hai, ek minor axis hota hai, right? Yaad hai aap log ko? I'll just try to show you here. Okay, if suppose you know this is your y-axis. The x-axis. So we know that ellipses are of two types. ये एक type का मैं ellipse बना रहा हूँ. इसमें क्या होता है, मेजर एक्सिस मतलब अभी जैसे ये पॉइंट से लेके ये, मतलब ये पूरा ये सबसे बड़ा वाला साइड है उसका, और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर है, तो फिर एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है नहीं, और ये माइनर हो जाएगा. बट इसके अंदर जो उसका लेंथ होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, राइट. ये मेजर एक्सिस का लेंथ होगा और ये माइनर एक्सिस का लेंथ होगा. तो सपोज अगर ये पॉइंट यू नो ए है, ए स्मॉल ए, नॉर्मली ये ए होता है, तो ये माइनस ए होता है, और ये बी होता है, ये माइनस बी होता है, क्योंकि नेगेटिव होता है ना ये सब क्वाड्रेंट्स पे एक्सिस पे. तो अगर ये ए है तो मुझे बताओ ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा. अगर ये पॉइंट ए कॉमा जीरो है तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा. अच्छा, ये जीरो है और ये माइनस ए है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, साहस वो तो तुम ये बता रहे हो, इसका पॉइंट बता रहे हो, मैं बोल रहा हूं इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव स्टूडेंट्स, दैट माइनस ए इज जस्ट बिकॉज इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सिस, राइट. बट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही होता है ना, राइट. सो दिस इज ऑल्सो ए. सो इसका मतलब अगर मैं आपको पूछूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, यानी यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, तो यू विल से ए प्लस ए टू ए. डू यू ऑल एग्री. सिमिलरली जब माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो ये बी कॉमा जीरो है, यानी ये जीरो कॉमा बी है, बी जीरो कॉमा बी है, तो इसका मतलब ये लेंथ बी होगा. ये जीरो कॉमा माइनस बी है तो ये भी लेंथ बी होगा. इसका मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट, टू बी, राइट.
समझ में आ रहा है या सबको? तो अभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर इज ट्वाइस ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। ठीक है, जिसका जो मेजर एक्सिस है वो माइनर एक्सिस का डबल है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे सबको? अभी नॉर्मली हम लोग जो एज्यूम करेंगे ना मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ, ठीक है, वो कैसे एज्यूम करेंगे? इन टर्म्स ऑफ लाइक 2a एंड 2b एज्यूम करेंगे कि वही होता है ना। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस कि लेट 2a एंड 2b बी दी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, सो लेट 2a एंड 2b बी द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा? ऐसे वाले एलिप्स का इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो हमको मालूम है नॉर्मली क्या होता है वो। यस, एक्स स्क्वायर, आई एल नॉट बी एबल टू राइट स्क्वायर प्रॉपरली, मैं ऐसा लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझ में आता होगा। एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू वन। यस सर, नो, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू वन। बट ये तो नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड होता है। डोंट गेट कन्फ्यूज कि सर इधर ए के जगह टू ए होना चाहिए ना, बी के जगह टू बी। नो नो, इक्वेशन में हमेशा वो ए और बी होता है। ये तो हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस लिखा, राइट? नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट क्वेश्चन में दिया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस, राइट? मेजर एक्सिस का लेंथ, हाँ दोनों में स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? Since it is given that length of major axis is twice its minor axis, therefore
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर, 2a, तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने को मिलेगा a इज इक्वल टू 2b। सबको यहाँ तक समझ में आया? देयरफॉर नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज अभी देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जब मेजर लेंथ 2a था और माइनर लेंथ 2b था तो यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर था और यहाँ पर बी स्क्वायर था। अभी हम क्या करेंगे, ए के जगह 2b लिख देंगे, क्यों, बिकॉज वो अभी 4b हो गया ना। अगर आप देखा जाए तो 2a इक्वल टू 2b मतलब ये 4b हो गया ना, तो 2a था तो a था, 2b था तो b था, तो 4b रहेगा अगर मेजर लेंथ, तो फिर उसका जो न्यूमरेटर में होगा वो क्या होगा, 2b होगा ना, समझ रहे हो क्या सबको। माइनर एक्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, माइनर तो वही रहेगा, माइनर में कोई चेंज नहीं होगा, पर जो मेजर एक्सेस है a के जगह 2a हो जाएगा, क्लियर। तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी 2a, 2b, a की जगह 2b हुआ, 2b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इक्वल टू 1, बाकी सब सेम, ठीक है। अभी ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर सकूं, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, एलसीएम 4b स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई किया ना हमने, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन 4b स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू 1। ये अपॉन 4b स्क्वायर जो है उसको हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया तो अपने को मिल गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। यस, ये हमारा वो इक्वेशन हो गया जो हम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर मुझे बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, यस ओनली 1। एक बार डेरिवेटिव करने पर हमको आ जाना चाहिए, तो आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में ओनली कांस्टेंट ही है ना। तो इसके बाद आप खुद करके मुझे बताओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो यहाँ से स्टार्ट करो खुद से करने, ये पहले कॉपी करो अगर नहीं लिखा है तो।
लेट मी नो इसका डेरिवेटिव क्या आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो 4 बाहर 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और बाद में हम दोनों में से 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन लेके उस साइड लेकर गया, तो x प्लस 4y dy by dx इक्वल टू 0। थर्ड लास्ट स्टेप क्या, कौन सा स्टेप थर्ड लास्ट स्टेप, ये वाला अभिषेक, विच थर्ड लास्ट स्टेप आर यू आस्किंग, उसके नीचे वाला। हाँ तो वो उस पर कुछ नहीं किया, देखो 2b का स्क्वायर है उसको 4b स्क्वायर लिखा है, दैट्स ऑल। यहाँ पर 2b का होल स्क्वायर है ना, उसको 4b स्क्वायर लिखा है, बाकी तो सब सेम है। देखो x स्क्वायर सेम है, y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 सेम है, बस यही चेंजेस हुए, 2b स्क्वायर इज 4b स्क्वायर, दैट्स ऑल। और उसके बाद हमने 4 का मल्टीप्लाई किया सो दैट 4b स्क्वायर कॉमन हो जाए, और सॉल्व किया। समझा अभिषेक? ओके सब लोग कंप्लीट करो इसको, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पे अटेंशन यार स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस parallel to the line 2x plus 3y plus 4 equal to 0. Please check the question. Yes. क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन, राइट? इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। आई थिंक इन 11th और यू नो इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी, इन 11th ओनली यू नो हाउ टू फाइंड आउट द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यस, वन लाइन में इसका इक्वेशन मिल जाएगा अपने को। वी नो दैट, ध्यान से देखो, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। यस, आई विल राइट इन द नेक्स्ट लाइन, प्लस c इक्वल टू 0। कभी भी अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और अगर उसके कोई भी पैरेलल होता है, ठीक है, तो उसके इक्वेशन में बस कांस्टेंट में चेंजेस आता है, एक्स और वाई में चेंज नहीं होता, उसके कोएफिशिएंट में चेंज नहीं होता, ओनली द कांस्टेंट गेट्स चेंज्ड।
जो फोर था उसकी जगह कोई और आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, तो अलग अलग पैरेलल लाइंस मिलते जाएंगे. यानी फोर के जगह जितने भी अलग अलग कॉन्स्टेंट लेंगे दे ऑल विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन. अब 2x + 3y + 4 एक पर्टिकुलर लाइन है. अभी उस फोर की जगह जैसे जैसे आप वैल्यू अलग अलग चेंज करोगे आपको अलग अलग पैरेलल लाइंस मिलते जाएंगे. सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने निकाला, दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस गिवन लाइन. यस सर नो स्टूडेंट, समझ में आया ये पॉइंट? यस. कितने कांस्टेंट है? वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट. सो नाउ इसको हमको सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल है. वन स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy/dx, ठीक है, प्लस c का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0. तो कितना सिंपल है. मैंने पहले ही बोला था आप लोगों की इसका डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस इक्वेशन आपको निकलना आना चाहिए. dy/dx इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर. 2 + 3 dy/dx इक्वल टू 0. यस, एवरीवन अंडरस्टूड? सॉल्व दिस. छोटा सा प्रॉब्लम था एकदम. ठीक, डन, गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, 7 स्टूडेंट, क्या नंबर है? सिक्स. लुक एट द टेक्स्ट बुक. द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स of all circles having radius 9 and center at h, k. ये question है student. Solution now. Tell me, how will you do? Do you know the how to find out the equation of a circle? Yes. We know ना कैसे फाइंड करते इक्वेशन ऑफ सर्कल. अगर वो ओरिजिन उसका सेंटर होता तो x² + y² = r² होता, बट यहां पर रेडियस तो दिया है 9, पर जो सेंटर दिया है वो h, k दिया है. इसका मतलब ओरिजिन नहीं है उसका सेंटर, तो उसका इक्वेशन हमको मालूम है कैसे निकालते हैं, राइट? सो रेडियस इज 9, सेंटर इज h, k, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय. क्या होता था याद करो, x - h the whole square plus y - k the whole square equal to 9 square. सबको ये वाला स्टेप समझ में आया? x² + y² = r² होता था, बट जब सेंटर चेंज होता है तो x - h होता है और y - k होता है, ठीक है?
So here, how many constants are there? नेक्स्ट स्टेप और एक लिख देंगे, 9 स्क्वायर को 81 कर देंगे. ओके, वेर एच एंड के आर दी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. सो नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, और आपको आंसर आना चाहिए. मेरे साथ साथ ही करते रहो. सो फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. तो एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर होगा 2 टाइम्स एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव 1, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फिर वाई माइनस के द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स वाई माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के में केवल डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0. क्लियर? दोनों में 2 है, 2 कॉमन लेके राइट साइड में लेकर गए, तो अपने पास बचेगा एक्स माइनस एच प्लस y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहां तक किया सबने? ओके, देन अब वापस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना. सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव 1, एच का डेरिवेटिव 0, तो ये तो 1 माइनस 0 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर यू भी लगेगा ना, वाई माइनस के 1 टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स दूसरा टर्म है. तो पहले y माइनस के कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू. ओके, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, y माइनस के का डेरिवेटिव, y का ही डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, के का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 0 1 होगा, प्लस दिस विल बी सेम, यू नो, y माइनस के एज इट इज, डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी एज इट इज ही रहेगा ये पूरा टर्म, ठीक है. अब डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू 2 इक्वल टू 0. अभी हमको के को रिप्लेस करना है, राइट? क्योंकि वो तो रिमूव नहीं हुआ और दो बार तो हमने डेरिवेटिव कर दिया है, तो अभी हमको प्रीवियस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐसा कुछ कंपेयर करके अपने को करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया. देन डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिला इसको नंबर 2 दे दिया, और ये जो अपने को अभी आया इसको नंबर 3 दे दिया, ठीक है. अभी आप देखो किसको किधर से कंपेयर करके किधर से क्या लिख सकते हैं हम लोग. यस,
तो अगर यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन जैसे देखें तो यहाँ पर x माइनस एच के जगह हम लोग कुछ इसको इस साइड ट्रांसफ़र करके यहाँ पर कुछ लिख ला सकते हैं y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, पर यहाँ पर है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, राइट। सोचो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, थिंक ओवर इट। और यू ऑल सॉल्व, देखो कैसे कर पाएंगे। हमको कुछ y माइनस के में रिलेशन आना चाहिए स्टूडेंट, इसके बाद का पार्ट भी इम्पोर्टेंट ही है। चलो यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू देखो जरा, टू फ्रॉम टू ये है ना, ये टू से अगर मैं x माइनस एच फाइंड करूँ तो क्या होगा, फ्रॉम टू x माइनस एच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, राइट। यहाँ ये समझ रहा है x माइनस एच क्या होगा, नेगेटिव ऑफ y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि उधर भी y माइनस के x माइनस एच रिप्लेस हो जाएगा y माइनस के का, तो अब देखो y माइनस के कुछ मिल जाएगा जो अपने को इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये तो फ्रॉम टू आया, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग this x minus h in equation one. Equation one क्या था देखो ऊपर, x minus h the whole square y minus k the whole square, ये था ना, उसमें x minus h की जगह ये आ जाएगा, ये मतलब यहाँ पर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब होल स्क्वायर होगा तो ये माइनस चला जाएगा, यानी आई थिंक अपने पास आएगा वाई माइनस के द होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है, वाई माइनस के द होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ये हुआ पहला टर्म, और दूसरा टर्म तो सेम है ना, y माइनस के द होल स्क्वायर, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, इक्वल टू 81। समझ में आया सबको, ओके। Now, don't you think y minus k the whole square, y minus k the whole square is common? So, मैंने y minus k the whole square common लिया और उसको उस साइड भेजा, तो यहाँ पर क्या बचेगा लेफ्ट में, पहला टर्म बचेगा dy by dx
द होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 81 अपॉन उसके नीचे आ जाएगा वाई माइनस के द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अभी हमारा जो मेन इक्वेशन था वो थर्ड इक्वेशन था, राइट? थर्ड इक्वेशन में अपने पास यू नो वाई माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर है, तो अपने को वाई माइनस के जगह रिप्लेस करना है। व्हाट कैन वी डू? हाँ, इधर देखो, अपने को मिला है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 81 अपॉन वाई माइनस के द होल स्क्वायर, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, वाई माइनस के हम लोग फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन थ्री से, राइट? तो इसको मैं इक्वेशन फोर देता हूं। आपने पहले से इक्वेशन थ्री को वाई माइनस के में कन्वर्ट किया रहता है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते, वो भी चलेगा। जैसे अगर मैंने यहीं पर फाइंड किया रहता कि y माइनस के क्या होगा, तो 1 को ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले। यस, 1 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके वो आता ना इक्वेशन थ्री से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो उसको करते वैसा यहीं पर चेंज कर देते, आपके पास स्पेस होगा, नहीं तो आप नीचे लिख दो जाए तो आपने भी नहीं लिखा रहेगा ना। मैं नीचे लिखता हूँ फ्रॉम थ्री नाउ, सो फ्रॉम थ्री, तो थ्री से हम क्या करेंगे, पहले मैं थ्री को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा इक्वेशन थ्री है, राइट? ओके, सो फ्रॉम थ्री हम लोग y माइनस के फाइन करते, तो पहला तो ये दो टर्म ऐसी रहेगा, बाकी दोनों को भेज दिया तो वन विल गो देर, यस, एंड dy वाई बाई डी एज द होल स्क्वायर विल गो देर, सो dy वाई बाई डी एज द होल स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव dy वाई बाई डी एज द होल स्क्वायर, राइट? एंड वन भी जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को नीचे लेके जाऊंगा, तो वाई माइनस के इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग, जस्ट अ मिनट, हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मैंने माइनस कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर फिर इसको लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, ये न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर में ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सबको यहाँ तक समझ में आया? यस,
अभी हमको यहाँ पर वाई माइनस के द होल वैल्यू है, अभी इसको हम सबसे जोड़ करते हैं इक्वेशन फोर में. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू टू, यस यहाँ पर रेस टू टू है. सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन फोर, क्या होगा फोर देखो यहाँ पर ऊपर ही है, सेम है. वाई माइनस के जगह ये पूरा आएगा, वाई माइनस के जगह ये पूरा इतना बड़ा वाला टर्म आएगा. तो मैं इसको जरा रफी करता हूँ. देखते हैं क्या होगा. ओके न्यूमरेटर तो वही रहेगा 81, ठीक है. डिनोमिनेटर में ये पूरा वाई माइनस के है, राइट. तो वाई माइनस के का स्क्वायर आना है नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ इसको तो y माइनस के जगह ये पूरा वैल्यू है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड होल स्क्वायर लगा दिया. सबको समझ में आया ये मैंने क्या किया, जो y माइनस के का होल स्क्वायर मिला था वो मैंने यहाँ पर सबसे जुट कर दिया. ठीक है, अभी इसका होल स्क्वायर करो. इसका होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, मैं वापस से उसको लिख रहा हूँ बट फिर होल स्क्वायर करेंगे. ये होल स्क्वायर जब सॉल्व होगा तो अंदर क्या होगा, देखो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो. और डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो लेट्स चेंज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में से माइनस चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा ओनली दिस पार्ट. ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन के अपॉन में क्या आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर. डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर. ठीक है, अभी क्या लगता है स्टूडेंट, देखो ये वाला जो डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाता है क्योंकि 81 अपॉन ए अपॉन बी है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 81 के साथ और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपको नहीं लगता, यहाँ पर देखो ये है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, ये भी है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, बट ये स्क्वायर है. तो ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन जब मल्टीप्लाई होगा तो होल क्यूब हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, समझ रहे हो क्या. तो सेम वे हम यहाँ से इसको लेकर गए लेफ्ट में, ठीक है. तो ये स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा क्योंकि टू टाइम्स था अभी वो थ्री टाइम्स हो गया, इक्वल टू, ठीक है. और यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 एज इट इज,
उसके साथ ये नीचे का टर्म आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर होगा. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. यस, सो इट वॉज क्वाइट लेंथी थोड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स को एडजस्ट करना था, बट फाइनली वी गॉट द आंसर. सबको समझ में आया? नाउ द आईपैड हैज गॉट चार्ज, तो अभी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा आईपैड पे कर सकते हैं. 6% चार्ज हो चुका. ये लिख लिया तो बताओ मुझे, पहले का कोई स्टेप समझना है तो वो भी बोलो. So there is one more question. Let us do that question here itself in this word. Next exercise se hum iPad pe chalu karenge. Start kare next question student. Question number 7 I think. And this is the last question, right? Okay. So let's start. Question number 7. The question is, form the differential equation of all parabolas. Form the differential equation of all the parabolas whose axis is the x-axis. Please check the question if it is correct. Differential equation of all the parabolas whose axis is x-axis. Yes? Okay. Now tell me which type of parabola do we have when the axis is x-axis? Batao. Right, left, up, down. Which parabola? Yes, right and left both. Because यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस बोलता तो हम लोग समझते कि चलो एक पर्टिकुलर पैराबोला बोला है. सो इसका मतलब ये दोनों पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? एंड यहाँ पर वर्टिक्स के बारे में भी कुछ बोला नहीं है, राइट? कि उसका वर्टिक्स क्या है. इज इट गिवन अबाउट वर्टिक्स? देखो एक्स एक्सिस पे है, राइट, पैराबोला, तो एक्स एक्सिस पे उसका वर्टिक्स कहीं भी हो सकता है ना. समझ में आ रहा है क्या? एक्स एक्सिस पे उसका वर्टिक्स कहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए हमको इसका वर्टेक्स अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस पे ही होगा. इसके लिए उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा,
बट एक्स कोऑर्डिनेट कैन चेंज, तो एच कॉमा जीरो लिख दिया मैंने. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, होता क्या है नॉर्मली इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स राइट का, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स लेफ्ट का, बट अगर दोनों को कंबाइन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस फोर एक्स. यस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर ए एक्स. बट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है. यहाँ तो वर्टेक्स एच कॉमा जीरो है, तो उसका मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस एच से, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई माइनस जीरो से. तो ये वाई विल बिकम वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जो कि चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, और एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एच. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर ए इंटू एक्स माइनस एच. ओके, यहां तक सबको समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. अब कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर बताओ, वेयर ए एंड एच आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स. ओके, फिर इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज, फोर ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, अंदर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन, एच का डेरिवेटिव जीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा सेम सब कुछ, और फोर ए इंटू वन माइनस जीरो वन होता है, तो इसका मतलब वो फोर ए हो जाएगा. ये पहला स्टेप हो गया. ठीक है, टू को उधर लेके जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. यस सर, तो क्या हो जाएगा, टू यहाँ से जाएगा, वहां डिवाइड करेगा, तो फोर ए का टू ए हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज माय इक्वेशन टू, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद. एंड नाउ वी कैन डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या मिलेगा, इसमें यू ही लगेगा यहाँ पर, तो वाई कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू. अभी राइट हैंड साइड में तो कॉन्स्टेंट ही है ना टू ए, तो टू ए का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, तो प्लस माइनस जीरो भी तो जीरो ही होता है, तो जो प्लस माइनस का टर्म था वो निकल गया. एंड नेक्स्ट स्टेप में फाइनल स्टेप हो जाएगा वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. And I think this is the final answer. Yes, everyone, समझ में आया, बहुत ही सिंपल था ये. This is the required differential equation. Please complete this. And let me know if it is completed, students.
Okay, I'll stop this share and I will start another share. Okay, so here we have completed all the sums of exercise 6.2, students. Yes. So in the first exercise, हमने ये सीखा कि how to find out the order and degree of differential equation. Second में अगर कोई equation दिया है तो उस equation से उसका differential equation कैसे find करते हैं वो देखा हम लोगों ने. Now, differential equations will be given. We have to solve the differential equations. Okay, so now we will be focus on solution of a differential equation. Okay. So, to solve the differential equation, we have one method. And we are going to use that method to solve the differential equations. Okay. Now, in the next exercise, the first question is to verify. Fine, no problem. See, the question is, kya likha hua hai? 6.3. Ye exactly question exercise 6.2 hai. 6.3 का first question is 6.2. Question क्या दिया देखो. In each of the following examples, verify the given expression is the solution of the corresponding differential equation. ये इस equation का solution है. ये इस equation का solution है. तो क्या करोगे आप मालूम है? आप ये जो solution दिया हुआ है उसको consider करोगे, जैसा पिछले एक्सरसाइज में करते थे, और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे. तो अगर इससे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन हो गया ना. समझा क्या स्टूडेंट्स लोग? ऐसा समझो कि ये दिया हुआ आंसर है, ये आंसर है और ये पिछला क्वेश्चन का क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे? अरे एक कॉन्स्टेंट है तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और यहां पर तो आंसर मालूम है तो देख के भी पता चलेगा डीवाई बाई डी एक्स है, यानी एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू है तो यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है तो हमको इसको सॉल्व करना है और ये लेकर आना है. इसको सॉल्व कर ये आ गया तो यस इट्स अ सोल्यूशन, वो उसका सोल्यूशन है. सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक दो क्वेश्चन अपने पास 10 मिनट्स है टाइम, ट्राई करते जरा. ओके, नाउ 6.3. First question, suppose question number one, first it is xy is equal to log of y plus c, right? Log of y plus c. अब normally हम कैसे करते थे वैसा ही solve करेंगे इसको. Yes, differentiating with respect to x. और ऐसे भी dy by dx चाहिए तो एक ही बार में आना चाहिए. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u भी लगाना पड़ेगा. तो ये होगा x इंटू dy by dx प्लस y कॉमन, x का डेरिवेटिव 1, इक्वल टू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y
डी वाई बाई डी एक्स एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो। तो देखो वो चला गया ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को साथ में लिखेंगे, वाई को उस साइड भेजेंगे। तो इसको इधर लेके आता हूँ मैं, तो ऑलरेडी वी हैव एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो इधर से इधर आया, तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई व्हेन दैट साइड बिकम्स माइनस वाई। टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो अपने पास बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई है, सो इट विल बी लाइक एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ये पूरा इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो डोंट यू थिंक इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वन है। यस, एक्स वाई माइनस वन आ गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में अपने को वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई चाहिए, तो क्या करेंगे, वो नेगेटिव को नीचे ले लेंगे ना, नेगेटिव तो कैन बी ट्रांसफर टू एनी वेयर ना, ऊपर का नेगेटिव नीचे भी आ जाएगा, तो नेगेटिव एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा वो, तो वो माइनस एक्स वाई और प्लस वन हो जाएगा, जिसको मैं वन माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ। यस एवरीवन, ये आ गया, देयरफॉर दैट इज अ सॉल्यूशन। तो इसके लास्ट लाइन लिख देंगे, हेंस एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? बस यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि एक्स वाई वन नहीं होना चाहिए बच्चों, बिकॉज अगर एक्स वाई वन हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, दैट्स अ नॉट डिफाइंड नंबर। प्लीज सॉल्व दिस। सो टेल मी, हैव आई डन एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन टिल इन द लास्ट एक्सरसाइज? इट्स अ सेम, राइट? सब कुछ सेम है स्टूडेंट्स? रिप्लाई हियर, यस। तो आपको ऐसे ही करना है, बल्कि ये और ईजी है क्योंकि आपको आंसर दिया हुआ है ऐसा समझो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वो लेकर आना है। अभी कहीं अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, सपोज राइट साइड में हमको डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए, तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, तो अपने को वो लाना ही पड़ेगा। जैसे उस टाइप का एक सम करता हूं मैं, हो गया सबका? ये एक लास्ट सम करके स्टॉप करते हैं। एवरीवन डन? ओके, नाउ वी विल डू वन मोर प्रॉब्लम, बाकी के इस क्वेश्चन नंबर वन के तो होमवर्क रहेंगे। हाँ, टू में दूसरा है, फोर्थ करते हैं। देखो फोर्थ में एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अगर देखेंगे तो एक ही है m, तो अगर ये फिर लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता तो हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करते, राइट? बट यहाँ पर हमको चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लेकर आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ डबल डेरिवेटिव, एक्स के साथ सिंगल डेरिवेटिव एंड देन वाई। ठीक है, सो लेट्स सी दिस लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, फोर्थ वन। y is equal to x raised to m. Step number one, obviously differentiating with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx x raised to m का derivative होगा m into x raised to m minus 1. First step. ठीक है, after that differentiating again. Differentiating again
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कॉन्स्टेंट कॉमन, एक्स रेस टू एम माइनस वन का डेरिवेटिव एम माइनस वन एक्स रेस टू एम माइनस टू। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes. Now think and tell me, how will you do this problem then? अभी कैसे करोगे आगे? Yes. तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्टली आप जो डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नहीं ला सकते, बट हमको क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। तो आप क्या करो, अभी हमको डी टू वाई बाई डी एक्स टू मालूम है, हमको डी वाई बाई डी एक्स मालूम है, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसके अंदर सब्सिट्यूट करते हैं, और अगर वो जीरो आ गया तो भी ये बोल सकते हैं कि येस हेंस द प्रूफ। समझ में आ रहा है क्या? तो लेट्स सी हियर, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एलएचएस, आई विल कंसीडर दैट पार्ट, नॉट एल एच एस क्योंकि प्रूव दैट नहीं है ना, कंसिडर किया उस पार्ट को, क्या था वो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, देन एक्स के साथ एम एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स है एंड देन एम वाई है। अब इसके अंदर जो हमने फाइंड आउट किया वो सब्सिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव आया है एम एम माइनस वन x रेस टू एम माइनस टू, ठीक है, ये अपना डबल डेरिवेटिव है, माइनस एम एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स है एम एक्स रेस टू एम माइनस वन, राइट, प्लस m एज इट इज, और y की जगह क्वेश्चन x रेस टू m। समझ रहे हो क्या सब लोग? यस। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर ये, सब मल्टीप्लिकेशन है तो x के पावर ऐड हो सकते हैं, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर m माइनस 1 है, m है m नहीं, तो वहाँ पर भी पावर ऐड हो सकते हैं, तो x रेस टू 2 x रेस टू m माइनस 2, तो ऐड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक हमारे पास बचेगा m m माइनस 1 इंटू x रेस टू m। स्टूडेंट्स प्लीज चेक, सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म एम इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा और वो एक्स रेस टू एम बच जाएगा, यस, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी एम एक्स रेस टू एम है। नाउ कैन आई टेक एक्स रेस टू एम कॉमन थ्रू आउट, सब में से एक्स रेस टू एम कॉमन लिया तो फिर हमारे पास जो बच गया वो क्या हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एंड ब्रैकेट के बाहर एक्स रेस टू एम कॉमन, सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली जीरो इंटू एक्स रेस टू एम इज इक्वल टू जीरो, सो दिस शोज दैट वाई इक्वल टू एक्स रेस टू एम इज द सोल्यूशन। ओके, सो दिस शोज दैट y equal to x raised to m is the solution of given differential equation and hence the proof. Have you all understood, all of you? Okay, so like this you have to solve the remaining problems. Yes, बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 के हैं वो आपको सॉल्व करने, ये पहले लिख लो सब लोग, फर्स्ट टू स्टेप्स तो लिखा रहेगा, यही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है।
थर्ड थिंग विच वी लर्न इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द चेक एंड वेरीफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. प्लीज कंप्लीट दिस एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2. ओके, थैंक यू वेरी मच.